दोस्तों, आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो सुना ही होगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काफ़ी हॉरर फिल्में बन चुकी है। इनमें से कई तो वास्तविकता का दावा भी करती है। हाल ही में एनाबेला नाम के डॉल पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है। चर्चा है कि इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। हालांकि इस डॉल की असली कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से ज़्यादा डरावनी है। दोस्तों, इस डॉल से रिलेटेड 1970s की बहुत सी घटनाएं हैं। ये डॉल डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने बर्थडे पर गिफ्ट की थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और नर्सिंग की पढ़ाई करते करते अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक ठाक था, पर कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट्स होना, एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाना और कुछ दिनों के बाद घर में दीवार पर हेल्प मी के संदेश भी दिखाई देने लगे। और उनका डर तब बढ़ गया जब इस डॉल पर इंसानी खून दिखाई देने लगा। अब इस डॉल को US के ऑकल्ट म्यूजियम में बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस टॉपिक पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं।